कच्चा बादाम करके मैंने गाना थोड़ा मैंने भी सुना था, तो मैं भी एक बार गा के देखूं। कच्चा बादाम अरे कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा हाउस। नमस्ते, मेरा नाम राजा गोपाल होता और आज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता हूँ। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है दिस कच्चा बादाम्स नीड टू बी स्टॉप्ड। ये ट्रिगर्ड इंसान की तरह से एक और नया वीडियो आया, नया रोस्ट वीडियो कच्चा बादाम के ऊपर। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, किस टाइप के वीडियोस होते हैं, क्या रोस्ट करता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे हो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर ट्रिगर्ड इंसान के फैन हो और मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो उम्मीद है पसंद आना चाहिए। तो नीचे पता नहीं क्यों लाल कलर में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके ग्रे कलर में कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। और बेल आइकन दबा देना। और वीडियो शुरू करने से पहले किसी एक व्यूवर या पता नहीं सब्सक्राइबर का एक डिमांड है, उसको शाउट आउट देने का। तो मैं शाउट आउट दे रहा हूँ आर्मी गर्ल संजना, दोबारा सुन लो, शाउट आउट टू आर्मी गर्ल संजना। ठीक है, शाउट आउट दे दिया आर्मी गर्ल संजना को। तो वीडियो स्टार्ट बन लाता, वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो ये बात है परसों शाम की, बोरियत के मारे मैं इंटरनेट पर वीडियोस देखने बैठा ही था कि तभी अचानक मुझे ये वीडियो दिखी। तेरे मम्मी पापा को भी खुश रहूं, तेरे घर में एक दामाद आएगा, तेरी मम्मी खुश तेरे दामाद से, ठीक है? तेरे घर वाले से जो कि मैं हूँ, मेरे घर में एक बहू आएगी, ठीक है? मेरे घर में एक बहू आएगी, वो जो तू है और इतनी क्यूट सी है तू, ठीक है? और देख जो होगा मेरी मम्मी को बहू मिलेगी। अरे यार क्या ये छोटे छोटे, अरे रे 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 रे, तो बच्चा है वही तो बच्चे करने की बातें कर रहा है। ये वीडियो देखते ही आई वाज लाइक ई तो हमारे लिए और बस फिर निकल लिए हम सीधा मार्च पे। ये क्या डांस है भाई, और लुक तो अलग लेवल का है। ये लुक ऑसम। ए ये क्या ये, ओह क्या हो गया, ओह शिट, अरे गया फट गया बादाम। तो ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा बादाम खाओ। अरे अंकल जी नमस्ते, क्या खा रहे हो? बादाम। कौन सा बादाम? कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा 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 माना कच्चा बादाम, 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 ठीक है? आज रोज डे है ना? नो नी अपने पापा को मार रहा। सो क्यूट। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, हैप्पी रोज डे, सेम टू यू। यह मुझे ना सीरियसली कोई जोक नहीं बनाना। तीन चार दिन पहले मैंने जब ये वीडियो देखी थी, मेरा तब से दिमाग घूम रहा था एंड आई वाज लाइक मुझे इस पे वीडियो बनानी है, मुझे इसको रोस्ट करना है। एंड आज तेरे के खेलूंगा ऐसे करेगा। इससे ज़्यादा अब सीरियस होने की एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। तो इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो यार मैं तुझे भाई बना बोलती हूँ, भाई वाला कान बंद है मेरा, भाई मत बोल, ठीक है? अबे तू इतना छोटा है, एडवेंचर पार्क में वो हाइट वाली लाइन होती है ना जिससे नीचे वालों की टिकट नहीं लगती, तू उसमें आता है। तू इतना छोटा है, तेरे सामने वाले दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। इतना छोटा है कि अगर कल को मोदी जी जनसंख्या करेंगे ना देश की, तुझे इंक्लूड भी नहीं करेंगे। इतना छोटा है तू, इतना छोटा है कि अगर मैं तुझसे चार कदम दूर चले जाऊंगा तो तू मुझे दिखाई भी नहीं देगा। तू इतना छोटा, तू कितना छोटा है, और भाई वाला कान बंद है तेरा कुतरिया। कर लियो शूट, देख मैं तुझे कल से बोल रहा हूँ, अभी तक मैं तुझे उठा लूंगा नहीं तो। अरे अब तुम इस बात की गहराई को समझ रहे हो क्या कि ये वीडियो के थ्रू कितना गलत मैसेज पोर्ट्रे हो रहे हैं? वो बच्चे क्या सीख रहे हैं कि बेटा प्रपोज करो, नहीं भी होगा तो लड़की को उठा के ले जाना और बाकी कुछ हो जाए तो वो देखो कैमरा हाथ हिला दो। अबे पर
वो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनको लगेगा यही सही है, संस्कार सीखेंगे बच्चे। एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कैमरा के पीछे इनके माँ बाप ही खड़े होकर इनसे ये हरकतें करवा रहे होंगे। वो तो सोच रहे हमने स्क्रिप्ट के नाम पे भाई कॉमेडी कर दी, पर भाई जो बच्चों के दिमाग पे इफेक्ट हो रहा है वो नहीं दिख रहा उनको। शर्म करो, भगवान से डरो। यहीं पे खत्म नहीं होता ये, अभी तो लड़के ने जबरदस्ती लड़की को उठा के ले गया, प्रपोज कर दिया, अब आगे क्या हुआ? तुझे इतनी देर से सॉरी कह रही हूँ, इतनी देर से सॉरी कह रही हूँ, मान जा भाई। क्यों क्यों कर ले, कर रही है मेरे साथ यहाँ पे, जा यार। अरे हार्ड जा ना, बच्ची है अभी, तू जा। अच्छा जी, मैं बच्ची। चप्पल कहाँ है मेरी? पैर में ना, यही से फेंक के मारता हूँ। बच्चों को नहीं, वो जो कैमरा के पीछे खड़े होके रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिन्होंने इनको ये वाहियात सी स्क्रिप्ट दी है। बच्ची है तू अभी, अबे तो तू भी तो बच्चा है, वही तो ढंग से पैदा तो ले। 11 साल 6 महीने का हो गया, तो 11 साल 4 महीने वाली छोटी लग रही है इसको। तूने मुझे प्रपोज किया वो कोई नहीं है ना भाई, प्रैंक था, मेरी प्रैंक था वो, प्रैंक क्या इसका, बहन का प्रैंक था वो, ले लिया था ठीक है ना भाई, तेरे ऊपर है वो, तूने सीरियसली लिया। मर पर मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता, मेरी बंदूक है, आज मैं नहीं जीऊंगा, आज मर जाऊंगा मैं। YouTube डीमोनेटाइज मत कर, मिस हो गया वो। पर मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसे OLX पे भेज तू अभी के अभी, OLX पे भेज, OLX पे भेज दे, OLX पे भेज दे, जोक सुनने के लिए तो सुनना था मैं आज तक, रोहित तो। ओ गाइस, कॉमेडी हो गई, कॉमेडी, 2 ईयर के बच्चों के जोक्स। व्हाट अ जोक, मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा था, इनकी बात कर रहा था। वो बात अलग है, जोक मेरे भी 2 ईयर वाले ही है। यार तू इधर बैठ जा, I love you, खाट। यार मत दिखो, सिंगल लौंडा इधर। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। भाई आई फील सेम, कभी कभार बहुत मजबूर हो जाता है भाई, सब इतना इमोशनल इंट्रो अच्छा लगा, बट बहुत अच्छा। कहाँ से आ रही है? छत पे गई थी। पानी लेके? ऐसे ही। बर्थ खोल के आई है ना? जीजू आए थे ना? नहीं। तेरे मुंह में मिठाई है ना? अपने आप ही। मम्मी को बताऊं अब? गिफ्ट दिया? मुझे भी देगी? जीजू आए थे। जीजू आए थे ना? पहले यही निबिया वैलेंटाइन्स डे वाले दिन अपने निब्बो के लिए प्यार मोहब्बत वाली कस्में खाती हैं, एंड उसके बाद यही निबिया सोशल मीडिया पे फायर तोड़ा हाथ रबाला था के जो सिटी गोल्ड चांद, कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम, कामर बाचे काचे काचे काचे, लो सालो इसी के लिए वीडियो पे क्लिक किया था ना तुमने, देख लो, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर गचे नाई के बुबू वाजा बादाम, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा 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 माना कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, नाइस ड्रेस, चमक रहा है ना, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा भाई ये क्या दिखा दिया, ये तो लड़की भी ना है। अरे तो क्या सिर्फ छोरियां करेंगी क्या, कच्चा बादाम मारे मिस्टर फैज हो गया छोरियों से कम है ये, देखा था जोड़ी सीटी गोल्ड चांद दिए जबान, ताता शोमन तो मैं बादाम बाबन, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा 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 माना कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा करो हाथ जोड़ के जी, माफ कीजिएगा कच्चा बादाम वाले, मुझ पे क्लेम ना मार दे, इसलिए मैं उनका गाना नहीं यूज कर पाया, तो मैंने अपनी बहुत ही मधुर आवाज आपको सुनाई, एंड ये डांस मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि मैं अपने फेवरेट मिस्टर फैजू 07 के सम्मान में कुछ करना चाहता था, और ये वीडियो देखने के बाद मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आई वॉज दिस फैन बिफोर, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई बिकेम एसी, एसी कूलर, आई बिकेम एवरीथिंग। वीडियो देखने के बाद मेरे को समझ आया कि वो क्रिंज इनटू 100 हो गया वाले आमिर सिद्दीकी भैया वो टैग में हैशटैग स्कर्ट क्यों लगाए थे, भाई क्या सीन था ये, हैशटैग स्कर्ट। अब समझ आया मेरे को हैशटैग स्कर्ट का असली मतलब। अब देखिए भाई, टेक्निकली कच्चा बादाम वाला जो ट्रेंड है वो इन मोहतरमा ने शुरू करा, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा 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 माना कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। बहुत पहले ये वीडियो देखी थी बिफोर दिस वीडियो बिकेम वायरल, लेकिन तभी मुझे लगा था कि ठीक है नॉर्मल सा डांस है। अरे
तूने ये देखी? और कैसा भाई? वीडियो देखी? कच्चा बादाम मुझे कच्चा कच्चा बादाम कच्चा बादाम। अरे अंकल का चश्मा। कच्चा बादाम बढ़िया यार, काफी बढ़िया डांस करा अगले ने। कच्चा बादाम मुझे कच्चा बादाम बढ़िया बहुत। अरे ये ध्यान से देख ये। अरे हाँ हाँ यही तो देख रहा हूँ, काफी अच्छा डांस कर रही है। कच्चा बादाम कच्चा। अरे तू नहीं समझेगा रे, क्या कर रही थे ढंग से दे। कच्चा बादाम अजी कच्चा बादाम अंकल भी करेंगे। अरे हाँ काफी काफी बढ़िया डांस कर रही है यार अगली। तेरे को ना समझ आएगी भाई, तू एक काम कर, तू बॉर्नविटा पी कच्चा। अरे 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 यार क्या बोल दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी वीडियोस को उस नजरिए से नहीं देखता जिस नजरिए से 99% सोशल मीडिया के लोग देखते हैं। एंड जब उन लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने इस नजरिए से देखा कि मेरा नजरिया उस नजरिए से देख नहीं पाया, जिस वजह से इस वीडियो पे इतने व्यूज आ गए जिसको देख के आई वाज लाइक भाई कुछ ज्यादा मतलब कुछ भी। इन मैडम को देखा देख, बहुत सारी मैडमो ने और ये गाने पे डांस करना शुरू करा। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम एयरप्लेन में चेन्नई के बुबू बाजा बादाम 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 कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम। ओ भाई ओ शिट, अब समझा मैं, मेरी गोवा की स्पाइसजेट वाली फ्लाइट 3 घंटे डिलेड थी, वो कहते हैं अंदर बॉम्ब है। अब समझा मैं कौन सा बॉम्ब था। कौन सा बॉम्ब था? मैं हूँ एक शरीफ लौंडा, मैं कभी क्या बोल दिया यार कच्चा बादाम कच्चा कच्चा बादाम। भाई भाई तुम क्या इतने खुश हो रहे हो, इसके बाद भी तुमसे कोई नहीं पटने वाली। मेरी पूरी की पूरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जो है रील वाला सेक्शन इन वाली रील से भर गया। एंड उसके बाद जब मैंने इन वाली रील्स को जो है ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तब फाइनली ये वाली रील हटनी शुरू हुई, तो एकदम से एपिडिलो वाली रील जो है वो वायरल होने लग गई। एंड सारी की सारी रील्स मेरे को एपिडिलो के गाने पे आने लग गई। कंदी हुंदी सी चंतग्रा बना रे सी का लोफाई करके कंदी हुंदी सी चंतग्रा। क्या आवाज निकल रहा है यार इसका, बात करके कंदी हुंदी सी चंतग्रा बना दे। तो मेरे को तो इसके भाई लिरिक्स भी नहीं बोलने आते थे ढंग से, मैं खुद पंजाबी हूं लेकिन मेरे को ये नहीं पता था वो चंद तक रा बना दे बोलता था, मतलब चंतकड़ा चंतकड़ा बोलता था, मेरे को पता नहीं था। लेकिन जब उसके बाद मैंने गाना सुन लिया लाइक भाई अभी तो मेरे को लाइक जानना पड़ेगा इस गाने के लिरिक्स है, तो अब मुझे समझ आया कि अच्छा चंद तक राह बना दे अच्छा, लेकिन हिट्ठा सारे लादे का मतलब आज तक नहीं मेरे को पता, लेकिन फिर भी मैं गाता रहता हूं ये गाना। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे भाई कुछ भी चीज वायरल हो जाती है और इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि भाई बार-बार तुमको वही दिखती रहती है, फिर शॉर्ट्स पे भी वही दिखता है, मौज पे भी वही दिखता है। अरे 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 काम डाउन कंट्रोल रैंट करना था बेसिकली कि ये कच्चा बादाम मैं पिछले 1 महीने में इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है ना कि अभी बंद करो हाथ जोड़ के। जॉनी eating sugar no papa telling Mac. lies no papa open your mouth aha wow kya skill hai well सिंदूर लगाने की पड़ी है बेटी, जब तेरा वक्त आएगा ना एक्चुअली में सिंदूर लगाने के लिए तभी सबसे पहले तू ही भागेगी कि नहीं लगाऊंगी सिंदूर, सासू माँ जो है मेरे को कहने लगती है सिंदूर नहीं लगाती तुम। मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या पड़ी है आजकल के बच्चों को इतनी कम एज में यार बड़ा होने की। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनेगा? अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे बीवी रखेंगे, हो और 2-3 को बच्चा होगा तब भैया मतलब 2-3 बच्चा करना है तुमको है ना, तो बच्चा ना करब तो काय सही हम रहब। स्टंड के ये बच्चा यार किंडरगार्टन में भी जाएगा ना एडमिशन लेने, तो इसको अंडर एज होने के लिए वहां पे भी एडमिशन नहीं देंगे, लेकिन सपने देख रहे हो बच्चे पैदा करने हैं अभी से। लाइक डूड इधर देखो भाई, जितने मर्जी बड़े हो जाए अपने आप को कोई मिल गया अगर रोहित ही समझता हूँ मैं, आज भी 2 ग्लास बॉर्नविटा पीता हूँ दिन के और रात को मिल गया था मम्मी बॉर्नविटा 1 और ग्लास चाहिए। भाई इतनी जल्दी बड़ा हो गया, क्यूट लड़की थी अभी ये, बचपना तो जी लो अपना अच्छे से यार, व्हाई आर यू गाइस डिस्ट्रॉइंग योर ओन चाइल्डहुड। हमारे में तेरे बाप को हम लोगों ने भाई, अरे इसको भी देखा था, तकलीफ हो रही है, अभी कर्फ्यू भी लग चुका है, मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, अब आप ही बताइए।
मोदी जी बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा, पैसा नहीं है, सब पैसे कोड़ी सब खत्म हो चुकी है, कुछ हेल्प कीजिए मोदी जी। अभी तो छपरी तेरे को क्या, मोदी जी खुद आके बोल के गए थे कि तू भाग के शादी कर ले। वही तो, उन्होंने बोला था क्या कि तू भाग के शादी कर लॉकडाउन में। कुछ भी हो जाए भाई, तुम्हारा कच्चा नहीं सूख रहा है मोदी जी, आज गर्मी नहीं पड़ रही है कच्चा नहीं सूख रहा है, तुम्हारा भाई पेशाब लग जाए मोदी जी आज हमको प्रेशर नहीं आ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर लेता जिंदगी में कुछ बन जाता उसके बाद शादी कर लेता, बट नहीं, हमने दी है कसम यार ये भी पॉपुलर हम सनम, बेशक 15 साल की ही उम्र क्यों ना हो तुझे भगा। ये मैंने ऑन द स्पॉट कुछ भी गाना गा दिया कॉपीराइट क्लेम की वजह से, मैं सिंदूर लगा दिया। ओहो बिल्कुल चुप। अनदर वैलेंटाइन्स ईयर, अनदर वैलेंटाइन स्लैश कच्चा बादाम स्लैश व्हाटएवर सोशल मीडिया रोस्ट, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे S2 लाइफ का सपना सच हो गया, मेरा भी फेवरेट गाना है। गुडबाय गुडबाय टू एवरीबॉडी। तो वीडियो खत्म, मैं लाइक करूंगा भाई, जैसे अपने ट्रिगर्ड इंसान ने बोला वैसे ही करेगा। ये 3 लाख के ऊपर लाइक हो गए भाई, सो मैंने देखा पहले। तो वीडियो खत्म हो गया, वीडियो के बारे में बात करने से पहले एक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन जिनों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच यार, कि तुम लोगों ने मेरे को अनसब्सक्राइब नहीं किया थैंक यू सो मच यार, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माना कि 3 दिन से मैंने कोई रिएक्शन वीडियो नहीं डाला, तो मेरे को लगा तुम में से कोई अनसब्सक्राइब करके तो नहीं चले जाएगा, थैंक यू सो मच यार। जो भी हो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसी रेस्पॉन्स देते रहना, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, और अच्छे अच्छे ऐसे रिएक्शन वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो भाई वीडियो कैसा था? बहुत अच्छा था। बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कच्चा बादाम करके मैंने गाना थोड़ा मैंने भी सुना था, तो मैं भी एक बार गा के देखूँ। कच्चा बादाम अरे कच्चा बादाम कच्चा कच्चा, ओह शिट मेरा क्या होगा, लोग भाग ना जाए, ऐसी सोचा था इंट्रो रखूँगा तो भाई सब ये कच्चा बादाम भाई गाना इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया किसी ने सोची ना होगी। बात बात पे जब भी बोल रहा था ना, मतलब ये लाइन्स रिपीट कर रहे थे ना, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, मेरे को लगा लास्ट में बोलेगा किसी ने सोची ना होगी ताराबाई जोगिंदर जैसे, उसका इंट्रो तो भाई अलग लेवल का करके। और ये कच्चा बादाम रही बात करके, मेरे को भी ऐसे लगता है कुछ भी चीज़ वायरल होता रहता है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ गाना बेकार है, अंकल ने बेकार गाया, अंकल का आवाज़ तो ओपी है भाई, सब एक नंबर आवाज़ है भाई, सीरियसली बोलता हूँ बहुत अच्छा गाया, उनको तो ऐसे वीडियो बनाते रहना चाहिए अगर कोई सिखाएगा तो सीरियसली। बट मैंने भी देखा क्या यार, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ वैसे, और मैंने देख रखा था वो जो लड़की थी ना भाई सब, वो पता नहीं ढंग से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नाइट ड्रेस टाइप कुछ पहनती है ना, शर्ट और पैंट टाइप में, मतलब वैसे ड्रेस तो बहुत अच्छा है, उसने डांस अच्छा किया, पर वो जैसी पलट के जो ठुमके मारती है, आई वॉज लाइक भाई क्या कर रही, क्यों कर रही है यार। और मैंने देखा भाई उस रील में भाई साहब 10 मिलियन व्यूज़ आई थिंक, भाई मेरे को हैरान हो गया। शॉर्ट्स में भी ऐसे कोई लड़की अगर नाचने लग जाए, मतलब शॉर्ट्स कपड़े नहीं, मतलब अगर यूट्यूब में ऐसे शॉर्ट्स डाले कि मैं डांस कर रही हूँ करके, उसमें भी वही वायरल हो जाए। और एक और बात बोलूँ, बुरा मत मानना, लड़कियों का तो पता नहीं पर लड़के जरूर देखे होंगे, तभी तो भाई इतना हुआ। और ट्रिगर्ड इंसान ने देखा, मैंने भी देखा ऐसे पूरा करके, बट वैसे में नहीं देखा कि मेरे को देखे वो एक ना फील आ जाएगा ओए लड़की नाच रही है, मतलब हद है यार कुछ भी भाई, सीरियसली नहीं देखो, वो दिखने में अच्छी थी, सब चीज़ अच्छा था, डांस अच्छा किया, पर मेरे को भी अजीब सा लगा कच्चा बादाम कुछ भी सिचुएशन में भाई, और वो हो जाता। रही बात कॉपीराइट क्लेम की, मैंने भी देखा भाई अगर मैं गाना यूज़ करूँ कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, वैसे मैंने देखा था यार इसलिए भाई सीरियसली यार। और एक और बात बोलूँ भाई, मैं ना तगेश को भी सब्सक्राइब कर रखा हूँ उसके देवनो चैनल के, तो मैंने देख रखा है, तो वो जैसे फैजू को ले लो, वो एक बनियान टाइप में पहन के नीचे पता नहीं उसको लुंगी जैसे भी कुछ कह सकते हैं, धोती वगैरह कुछ भी ले लो वो पहन के भाई ऐसे ऐसे वो भी डांस करता रहता, मैंने तगेश के वीडियो में देखा। और वो जो एक लड़का लड़की थी ना, मोदी जी साहब प्लीज़ लॉकडाउन खोल दो ये वो करके, उसका नाम शायद राजू भाई और सोनिया वोनिया करके, वो थगेश का भी कल या परसों को रोस्ट वीडियो देखा था उसमें करके, भाई मेरा नाम भी राजू है यार, बहुत अजीब से लगा यार, वो अजीब टाइप के व्लॉगर हैं अगर बाय द वे मैं गलत ना हूँ तो करके। ये कच्चा बादाम पे तो भाई कुछ भी मतलब चलता रहता है, सब लोग एक ही स्टेप नाचते रहते, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था जैसे ट्रिगर्ड इंसान ने बोला कि वो लड़की ने शुरू किया था करके, और वो बोल रहा था मैं वैसे नज़रों से नहीं देखा जैसे बाकी लोगों ने देखा, और उन्हें लगा मैंने वैसे नज़रों से नहीं देखा, भाई सब क्या कन्फ्यूज़ कर दिया यार,
कसम से सीरियसली, मेरे को लग रहा है उस लड़की के बाद से हर किसी ने भी ये कर दिया। मैं हैरान हो गया, तेरे फैजू ने भी ऐसे कर रखा है भाई साहब, टिकटॉक स्टार यार। और रही बात दूसरा कि वो जो शुरू में थे ना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, ये वो, भाई इतने छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या पागलपंती कर रहे हैं यार सीरियसली। एक तो कैरी करके नहीं नहीं मैं नहीं करती है वो करके वो जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, दूसरे बोल रही अपनी गर्लफ्रेंड को ओएलएक्स पे भेज देना करके प्लीज़ यार आई लव यू करके, अबे पहले गुस्सा करती है फिर बेंच पे उसको बोलती है आई लव यू करके, अबे क्या चल रहा है यार सीरियसली, अजीब सा है यार मतलब। बट एक बात बोलूँ, तारीफ करने वाली बात है तो भाई ओवरऑल बोलूँगा पूरा रोस्ट वीडियो तो बहुत अच्छा था, वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ भाई, रोस्ट तो बहुत खतरनाक था। बट मेरे से प्लस पॉइंट पूछोगे ना क्या था ट्रिगर्ड इंसान भाई साहब, उसका रोस्ट ले लो, एक्सप्रेशन ले लो, लुक ले लो, डांस ले लो, सब चीज़ भाई बंदे में अच्छा लगा। इतना अच्छा लुक रखा था, चश्मा वश्मा पहन के डांस वांस भी सही क्या था। मुझे वो भी एक अच्छा आवाज़ लगा जो वो गुस्से में कर करके उसका आवाज़ इतना कम होता, पूरा शिनशैन जैसा आवाज़ हो जाता भाई साहब, यार इतना अच्छा लगा ना मेरे को देखने में यार, मज़ा आ गया वैसे बोलो तो। पर एक बात बोलूँ, बुरा मत मना, थोड़ा कान वैसे लग रहा माफ़ कर दो, क्या करूँ खांसी जा ही नहीं रहा करके, थोड़ा चुभ रहा था कान में, वैसे ये नहीं बोलूँगा बेकार था, बट ये एक अच्छी बात है कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए खुद का गाना गाओ तो बेटर है वैसे काफ़ी भाई सब। पर इतना बार बार आ रहा था ना यार, बट सच बात बोलूँ यार सीरियसली किस टाइप के चीज़ें आजकल वायरल हो रहा है यार, जैसे ये कच्चा बादाम ले लो, अंकल का वीडियो वायरल कर दो ठीक है, लेकिन लड़कियां डांस कर रही, मतलब एक लड़की ने डांस किया उसको सब कॉपी कर रहे हैं, लड़के तक क्यों कॉपी कर रहे हैं मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा। और हर कोई तो लड़की को ही देखना चाहेगा, तुम्हें पता है किस रीज़न से देखना चाहेगा, पर मैं तो नहीं देखूंगा ऐसे यार, आई मीन सीरियसली कुछ भी चलता। और वो भी एक ले लो जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार, कुछ भी चीज़ भाई उठा के वायरल कर दो भाई, ऐसा लोग ज़्यादा से ज़्यादा डांस करेंगे और क्या करते हैं यार, किस टाइप की चीज़ें पता नहीं पॉपुलर हो रहे हैं यार। बट सच बात बोलो तो ट्रिगर्ड इंसान का ये रोस्ट भाई सीरियसली मज़ा आ गया। और वही देखूं भाई, 2 घंटा हो चुका और 9 लाख के ऊपर व्यूज़ चले गए थे ठीक है, तो अगर आज ही मैं अपलोड करूँगा करके तो प्लीज़ कोई हेट मत फैलाना यार, अभी एक दिन तो रुक जाता है, रिस्पॉन्स इतना अच्छा था मेरे को ट्रिगर्ड इंसान का रिएक्शन वीडियो में इसलिए डाल देता हूँ। बट जो भी यार क्या बोलूँ, पूरा वीडियो तो एंजॉय किया और तुम लोगों ने रिएक्शन देखा, अगर तुम्हें लगा भाई कुछ तो अच्छे से पॉइंट में बोल देता जो हो सके मैंने बोल दिया, और मैं रिएक्शन देने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तुम्हें मेरा रिएक्शन पक्का पसंद आया भाई, तो ओवरऑल बोलूँगा वेरी ग्रेट एंड एंटरटेनिंग, मज़ेदार, लगातार मज़ेदार टाइप का रोस्ट है। हाँ मैं सोच रहा था कि अगर वैलेंटाइन डे के लिए रोस्ट कर लेता ठीक है, मेरे को लग रहा है इसने दोनों मिक्सअप करा और बहुत अच्छा भी लगाता है ऐसे भाई सीरियसली। तो भाई मैंने तो वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया था और ओरिजिनल वीडियो को मैं तो लाइक कर दिया तुम लोगों के सामने, और मैं हर वीडियो को तुम लोगों के सामने लाइक कर देता हूँ अगर अच्छा लगता है ठीक है, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया और लाइक कर दिया। उम्मीद है तुम लोगों ने ओरिजिनल रिएक्शन वीडियो देखा होगा, अगर देख लिया मेरा रिएक्शन देख रहे हो और तुम्हें पसंद है तो पता है क्या करना है, भिखारी बनने का टाइम आ गया सॉरी, वीडियो को लाइक कर देना ठीक है। और जो है नए व्यूवर्स है जिनको मेरा रिएक्शन पसंद आया, ट्रिगर्ड इंसान के फैन हो स्पेशली और मेरा रिएक्शन पसंद है, तो पता है नीचे कुछ पता नहीं क्यों एक सब्सक्राइब का बटन दिखता है कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं फिर मिथपैट का वो कोई एक मिथ रिएक्ट्स का नया होगा, कुछ स्कैरी वीडियो वाला रिएक्ट वो वीडियो आया तो उस रिएक्शन वीडियो के साथ मिलते हैं, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।